मध्य प्रदेश शासन ने लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच हजारों मजदूरों को अपने अपने राज्यों में अपने परिवार के पास भेजने का निर्णय किया है। इस निर्णय का हजारों मजदूरों ने दिल खोलकर स्वागत करते हुए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। शासन द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अन्य जिलों में मजदूरी करने आए मजदूरों की सूद लेते हुए कल तक 1952 मजदूरों को जिले में भेज दिया है। अब दूसरे चरण में ऐसे मजदूरों का डेटाबेस तैयार कर उन राज्यों में अपने परिवारों के पास भेजने की तैयारी कर ली है। खरगोन में ऐसे 17 राज्यों के मजदूर हैं जो कोरोना के बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के बाद से फंसे हुए हैं। हालांकि इनके भोजन और रहने की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है, फिर भी अब वे अपने परिवारों के अन्य सदस्यों से मिलने के लिए आतुर है और उन्होंने शासन के हर माध्यम से घर जाने की गुहार लगाई है। शासन ने उनके और उनके परिजनों की इच्छा को पूरा करने का निर्णय लेकर भेजना प्रारंभ कर दिया है। जिला पंचायत CEO DS रणदा ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप संबंधित राज्य की सीमा तक मजदूरों को भेजा जा रहा है। खरगोन से जी तिवारी की रिपोर्ट। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गुजरात। कितने लोग आए? सात जन। कहाँ जाओगे? बोरगांव के पास में। अब यहाँ से क्या पुलिस व्यवस्था कर रही है? तो वहाँ से किस साधन से आए? वहाँ से व्यवस्था करी, बस भेजी थी। हाँ। तो यहाँ से बस की व्यवस्था हो रही है। हाँ। क्या नाम आपका? प्रकाश। और कहाँ कहाँ के लोग आए? बहुत सारे दिख रहे हैं। उनके नहीं मालूम कहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।